एसके दुबे, आप सभी का आपके चैनल एसके ओंकार में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, मैं फिर से आप सबके सामने आज एक नए वीडियो के साथ। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं, अगर आप जियो यूजर हैं तो आपको 627 रुपए का फायदा होने वाला है। सो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखें, और अगर अभी आप नए फ्रेंड्स, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें। सो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, रिलायंस जियो अपने पोस्टपेड यूजर्स को कई धमाकेदार ऑफर्स दे रहा है, जैसे कि आपको नेटफ्लिक्स हो गया, अमेजन प्राइम हो गया और डिज्नी प्लस हॉटस्टार, ये सारे सब्सक्रिप्शन आपको फ्री में मिलने वाले हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा, रिलायंस जियो कंपनी ने पोस्टपेड को लेकर के लगभग 6 प्लान यहाँ पर लॉन्च किए हैं, प्लस और रेगुलर के नाम से। और यहाँ पे फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा, जो रेगुलर प्लान है वो मात्र 199 रुपये का एक ही प्लान है, और प्लस प्लान की अगर हम बात करें तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपको 399 रुपये से लेकर के 1499 रुपये तक के रेंटल तक का है। और यहाँ पे फ्रेंड्स आपको हर महीने मिनिमम 627 रुपये का फ़ायदा आपको मिलने वाला है। सो फ्रेंड्स, आइए हम फायदे को देखते हैं किस तरीके से मिलने वाला है। आप यहाँ पे देख पाएंगे स्क्रीन पे फ्रेंड्स, पोस्टपेड प्लस का जो मिनिमम रिचार्ज हमने जैसा कि आपको बताया 399 रुपये से स्टार्ट है। और यहाँ पे आप देख पाएंगे नेटफ्लिक्स का जो मंथली रिचार्ज है 199 रुपये है। अमेजन प्राइम का आप देख पाएंगे मंथली रिचार्ज आपको 129 रुपये का है। डिज्नी प्लस हॉट स्टार VIP का मंथली रिचार्ज फ्रेंड्स 299 का है। आप यहां पे देख पाएंगे फ्रेंड्स, रिचार्ज के लिए जो आपका खर्च हो रहा है 399 रुपये। सब्सक्रिप्शन का कुल फ़ायदा आपको फ्रेंड्स यहां पे 627 रुपये का हो रहा है। और आप दोनों के बीच का डिफरेंस देखेंगे फ्रेंड्स, 627 माइनस 399 तो 228 रुपये। और इसके पोस्टपेड के फ़ायदे फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि पोस्टपेड के प्लान पर फिक्स 4G डेटा के साथ साथ फ्रेंड्स आपको अनलिमिटेड इंटरनेट कंपनी देती है, जैसे कि 399 रुपये वाले प्लान में आपको यहाँ पे 75 GB डेटा फ्रेंड्स यहाँ पे मिलने वाला है। और फ्रेंड्स, सबसे अच्छी बात यह है कि आप 75 GB डेटा आप एक साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें कोई लिमिट नहीं है कि आपको एक दिन में 1.5 GB या 2 GB से ज़्यादा आप यूज़ नहीं कर सकते, आप अनलिमिटेड यूज कर सकते हैं। बट फ्रेंड्स, यहाँ पे एक चीज़ और क्लियर करना चाहूँगा, आपका डेटा खत्म होने के बाद आपकी जो इंटरनेट की स्पीड होगी वो स्लो हो जाएगी, और सभी प्लान पर फ्रेंड्स जो कॉलिंग है आपका अनलिमिटेड होगा। SMS की भी सुविधा आपको मिलेगी। मिनिमम फ्रेंड्स 200 GB डेटा रोल ओवर होकर आपको मिलने वाला है। रोल ओवर का मतलब मैं आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, आपका डेटा जो भी बचा रहेगा वो लेफ्ट नहीं होगा, नेक्स्ट मंथ वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। और इसके साथ ही फ्रेंड्स, जियो TV, जियो सिनेमा, जियो सावन और अनलिमिटेड जियो कॉलर ट्यून की सुविधा भी आपको यहाँ पर मिलने वाली है। जियो के पोस्टपेड प्लस प्लान की कीमत फ्रेंड्स 399 रुपये से लेकर के 1499 रुपये तक का है। मैं आपको प्लान का डिटेल फ्रेंड्स बताना चाहूँगा। आप यहाँ पे देख पाएंगे 399 रुपये का जो प्लान है, इसमें आपको 75 GB डेटा मिलेगा, अनलिमिटेड वॉइस एंड SMS होगा, नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम प्लान एंड डिज्नी प्लस हॉटस्टार VIP सब्सक्रिप्शन आपको यहाँ पे फ्री मिलेगा। 200 GB का डेटा आपको फ्रेंड्स यहाँ पे रोल ओवर का बेनिफिट मिलने वाला है। और इसके साथ फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट प्लान है 599 रुपये का है, जिसमें आपको 100 GB डेटा मिलेगा, अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग रहेगा आपका और SMS। और यहाँ पर फ्रेंड्स आपको नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम, डिज्नी प्लस हॉटस्टार VIP सब्सक्रिप्शन भी आपको यहाँ पे मिलने वाला है, और 200 GB डेटा रोल ओवर इसमें भी है फ्रेंड्स, प्लस एक एडिशनल सिम कार्ड विथ फैमिली प्लान के साथ फ्रेंड्स यहाँ पे आपको मिलने वाला है। और इसके बाद फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट प्लान की बात करेंगे 799 रुपये रेंटल का। इसमें आपको फ्रेंड्स 150 GB डेटा मिलने वाला है, कॉलिंग आपकी अनलिमिटेड होगी, SMS भी। और यहाँ पे फ्रेंड्स आपको नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम एंड डिज्नी प्लस हॉटस्टार VIP सब्सक्रिप्शन, और इसके साथ फ्रेंड्स 200 GB डेटा रोल ओवर का भी आपको बेनिफिट मिलेगा, और 2 एडिशनल सिम कार्ड्स विथ फैमिली प्लान के साथ फ्रेंड्स यहाँ पे आपको मिलने वाला है। और इसके बाद जो नेक्स्ट प्लान है फ्रेंड्स 999 का, इसमें आपको 200 GB डेटा मिलेगा, कॉलिंग आपकी अनलिमिटेड होगी, SMS भी फ्रेंड्स, और इसके साथ साथ नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम एंड डिज्नी प्लस हॉटस्टार VIP सब्सक्रिप्शन भी आपको मिलेगा। 500 GB का फ्रेंड्स इसमें आपको डेटा रोल ओवर होके मिलने वाला है। अगर आपका फ्रेंड्स जो 200 GB डेटा आपको मंथली मिल रहा है, इसमें से आपका मान के चलिए आपने एक महीने में 100 GB डेटा यूज किया, 100 GB बच गया, तो नेक्स्ट मंथ फ्रेंड्स फिर से आपको 200 GB मिलेगा कंपनी से, प्लस आपका ये 100 GB उसमें ऐड हो जाएगा, 300 GB टोटल हो जाएगा। इस तरीके से 500 GB तक आपका डेटा रोल ओवर होता रहेगा। और इसमें जो एक एडिशनल बेनिफिट है फ्रेंड्स, आपको 3 एडिशनल सिम कार्ड्स मिलेगा विथ फैमिली प्लान के साथ फ्रेंड्स। उसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट प्लान पे हम आते हैं, जो लास्ट प्लान है 1499 रुपये जिसका रेंटल है। इसमें फ्रेंड्स आपको 300 GB डेटा मिलने वाला है, अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग एंड SMS होगा, और इसके साथ साथ नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम एंड डिज्नी प्लस हॉटस्टार VIP सब्सक्रिप्शन, और इसमें फ्रेंड्स आपको 500 GB डेटा रोल ओवर होकर मिलेगा, अनलिमिटेड डेटा एंड वॉइस इन USA एंड UAE। यहाँ पे फ्रेंड्स आपको एक ये नई चीज़ देखने को मिलेगी इस प्लान में, आपको अनलिमिटेड डेटा है
एंड वॉइस है इन USA एंड UAE। अगर आप यहाँ पे हैं तो अनलिमिटेड वॉइस भी आपको यहाँ पे मिलने वाला है। और फ्रेंड्स मैं यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और क्लियर करना चाहूँगा कि अगर आप ऑलरेडी पहले से पोस्टपेड यूजर हैं, पहले से आप पोस्टपेड सिम चला चुके हैं और आपको पोस्टपेड का नॉलेज है तो ही आप पोस्टपेड प्लान लें। अदरवाइज फ्रेंड्स मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप पोस्टपेड ना यूज करें, क्योंकि पोस्टपेड में बहुत सारी चीज़ें होती हैं फ्रेंड्स जो शायद आपको नहीं मालूम होगा। कि अगर आपको नॉलेज नहीं है फ्रेंड्स तो क्या है, आपको उल्टे सीधे अनाप शनाप बिल भी आ सकते हैं, क्योंकि मोबाइल आपका घर में पड़ा है, कोई भी ये मैसेज आया, बच्चे ने क्लिक कर दिया, कुछ भी ऐसी सर्विसेज जिसको हम वैल्यू एडिट सर्विसेज बोलते हैं, अगर एक क्लिक कर देने से फ्रेंड्स क्या होता है वो आपके नंबर पे सर्विसेज एक्टिवेट हो जाती हैं और आपको उसका मंथली रेंटल लगने लगता है और आपको वो बिल में ऐड हो करके आ जाता है। सो इस तरीके कई सारी सर्विसेज हैं फ्रेंड्स एक्टिवेट हो जाती हैं, या फिर आपने ज़्यादा यूज कर लिया, डेटा आपका 200 GB से ज़्यादा हो गया, या आपने नहीं ध्यान दिया, कोई और भी सर्विसेज आपने एक्टिवेट कर लिए तो उसके फ्रेंड्स आपको चार्ज पे करने पड़ जाएंगे। सो इसके लिए मैं यही बोलूँगा फ्रेंड्स, अगर आपको पोस्टपेड की जानकारी नहीं है तो आप पोस्टपेड सिम ना लें, ना ही यूज करें, प्रीपेड ही करें, ज़्यादा बेटर है। बाकी अगर आप पोस्टपेड चलाते हैं फ्रेंड्स, उसकी नॉलेज है आपको, तो आप ले सकते हैं, यूज कर सकते हैं, बढ़िया है। सो इसी के साथ फ्रेंड्स वीडियो को समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।